गुड मॉर्निंग क्लास लेट स्टार्ट द न्यू चैप्टर दैट इज द रेशियो एनालिसिस विच इज़ ऑल्सो नोन एज द अकाउंटिंग रेशियो अकाउंटिंग रेशियो या रेशियो एनालिसिस आपके बोर्ड के एग्जाम में एट मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और वाइवा के समय प्रैक्टिकल के समय एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर लेकर आता है क्वेश्चन पेपर वो ट्वेल्व मार्क्स का लेकर आएगा आपका एग्जामिनर जिसमें सिक्स मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा वो रेशियो एनालिसिस से होगा तो दैट मीन्स आपका अकाउंटेंसी में ये आठ दो दस फोर्टीन मार्क्स जो है वो कवर कर रहा है रेशियो एनालिसिस ठीक है रेशियो एनालिसिस या अकाउंटिंग रेशियो टोटल फोर्टीन मार्क कवर कर रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में अकाउंटेंसी से डन रेशियो एनालिसिस वाला चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है अगर थोड़ा सा ध्यान दे दिया जाए तो आउट ऑफ फोर्टीन जो अच्छे बच्चे हैं जो तो, मतलब बहुत अच्छा अटेंशन दे देंगे तो वो तो आउट ऑफ फोर्टीन फोर्टीन कवर कर ही लेंगे तो सोचो कि बहुत इजी चैप्टर है बस थोड़ा सा अटेंशन देना है थोड़े से अटेंशन से ये फोर्टीन मार्क आपके हाथ में आ जाएगा क्लियर है फोर्टीन मार्क्स का मतलब तो समझ रहे थ्री तीन परसेंटेज क्योंकि फाइव मार्क्स पे एक परसेंटेज बनता है क्योंकि फाइव सब्जेक्ट्स हैं आपके नाउ अस गो फॉर द रेशियो एनालिसिस व्हिच इज आल्सो नोन एज द अकाउंटिंग रेशियो रेशियो एनालिस डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स नंबर वन लिक्विडिटी रेशियो नंबर टू सोलबेंसी रेशियो नंबर थ्री एक्टिविटी रेशियो एंड नंबर फोर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि कितने टाइप्स के रेशियो एनालिसिस होते हैं ये सिर्फ आपको जानने के लिए मैंने बता दिया है कि फोर टाइप्स के रेशियो एनालिसिस होते हैं नंबर वन लिक्विडिटी रेशियो नंबर टू सोलबेंसी रेशियो नंबर थ्री एक्टिविटी रेशियो एंड नंबर फोर प्रॉफिटबिलिटी रेशियो अब लिक्विडिटी रेशो में दो रेशो आते हैं करंट रेशियो और लिक्विडिटी रेशियो लिक्विडिटी रेशियो के अंदर में दो रेशो आते हैं करंट रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी ठीक है अब करंट एसेट्स में और करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लिक्विडिटी रेशियो में होता है लिक्विडिटी एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी देखो करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी और लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विडिटी एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी अब कंपनीज एक्ट के तहत इसका एक आइडियल रेशियो दिया हुआ है करंट रेशियो का करंट रेशियो का आइडियल रेशियो है टू रेश टू वन दैट मीन्स आपका एसेट्स जो है वो टू होना चाहिए और लैबिलिटीज जो है वो वन होनी चाहिए मतलब आपका एसेट्स अगर टू लाख है तो लाइबिलिटीज वन लाख होनी चाहिए लाइबिलिटीज एसेट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए ऑलवेज एसेट्स ज्यादा होना चाहिए लाइबिलिटीज के कंपेयर में इसी तरह से लिक्विडिटी रेशियो में वन रेस टू वन है लिक्विडिटी रेशियो का आइडल रेशियो जो है वो वन टू वन है दैट मीन्स लिक्विडिटी एसेट्स अगर वन लाख है तो करंट लाइबिलिटी भी वन लाख होनी चाहिए कुछ भी करके करंट लाइबिलिटी लिक्विडिटी एसेट्स या फिर करंट एसेट्स को लीड नहीं करनी चाहिए अगर लीड कर रही है दैट मीन्स कंपनी लॉस में जा रही है तो ये है लिक्विडिटी या रेशियो लिक्विडिटी रेशियो का में दो रेशो आ रहा है करंट रेशियो करंट रेशियो का फार्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी और लिक्विडिटी रेशियो लिक्विडिटी रेशियो का फार्मूला है लिक्विडिटी अपॉन लिक्विडिटी एसेट्स अपॉन करंट लैबिलिटी ये ऑलरेडी क्लास में इस वक्त चल रहा है क्वेश्चन लिक्विडिटी करंट रेशियो लिक्विडिटी रेशियो और ये ये वाला इन चारों रेशियो में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है ये आपके दोनों पेपर में होगा ही होगा बोर्ड वाले पेपर में भी टू मार्क्स का होगा और आपके प्रैक्टिकल वाले पेपर में भी टू मार्क्स का होगा लिक्विडिटी रेशियो आना ही आना है उसको चेंज नहीं किया जा सकता लेट लेटर्स गो फॉर द नेक्स्ट सॉल्वेंसी रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो में फोर रेशियो है ठीक है और इसका जो फॉर्मूला है वो उसके नाम के हिसाब से जैसे देखो इसका ये फॉर्मूला है डेप्ट इक्विटी रेशियो क्या है ये डेप्ट इक्विटी रेशियो तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला है पहले लिखेंगे डेप्ट तो ये हमने लिखा डेप्ट अपॉन इक्विटी इसके नाम के हिसाब से ही इसका फॉर्मूला है डेप्ट इक्विटी रेशियो तो डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या है डेप्ट अपॉन इक्विटी क्लियर क्लास डेप्ट इक्विटी रेशियो डेप्ट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया उसके नाम के हिसाब से ही है डेप्ट अपॉन इक्विटी फिर यहां पे दूसरा है टोटल एसेट्स टू डेप्ट टोटल एसेट्स टू डेप्ट ये भी अपने नाम के हिसाब से है तो आपको पता चल गया टोटल एसेट्स अपॉन इसका फॉर्मूला हो गया ठीक है डेप्ट इक्विटी रेशियो का क्या था डेप्ट अपॉन इक्विटी अब इसको थोड़ा सा और समझने के लिए मैं आपको बैलेंस शीट में लेके चलती हूँ ये देखो ये आपका बैलेंस शीट है बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा कैसा होता है बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड एसेट साइड ये आपने क्लास इलेवेंथ में देखा था लेकिन जो चीज़ें आप लिखते थे उसको कैटेगराइज नहीं किया आपने क्लास इलेवेंथ में क्लास ट्वेल्थ में हमको उसको कैटेगराइज करना पड़ेगा जैसे कि लाइबिलिटीज साइड में तीन कैटेगरी होती है शेयर कैपिटल नंबर वन नंबर टू नॉन करेंट लाइबिल्टीज एंड नंबर थ्री करंट लाइबिलिटीज तो हो जाता है टोटल लाइबिल्टीज इसी तरह से एसेट साइड में होता है नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स फिर हो जाता है टोटल एसेट्स दैट मीन्स टोटल एसेट्स इज इक्वल टू नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स टोटल एसेट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा नॉन करंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स इसी तरह से टोटल इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा शेयर कैपिटल प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज़ प्लस करंट लाइबिलटीज़ देखो नॉन करंट लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट एसेट्स और करंट मतलब दोनों तरफ में नॉन करंट मतलब फिक्स ठीक है ये नॉन करंट को हम फिक्सड भी बोलते हैं आप लोग क्लास इलेवेंथ में फिक्स एसेट्स पढ़े हो ये है फिक्स एसेट्स और ये है करंट एसेट्स ऐसे यहाँ पे भी है फिक्स लाइबिलिटीज और नॉन करंट मतलब करंट लाइबिलटीज़ तो ये दोनों तो लाइबिलिटीज और एसेट्स ही है एक्स्ट्रा लाइबिलिटीज़ में क्या है कैपिटल जो फंड कैपिटल क्या होता है कैपिटल ऑनर का फंड होता है ना ऑनर जो इंट्रोड्यूस करता है क्लास इलेवन में आप कैपिटल पढ़े हो ना तो वही है शेयर कैपिटल तो लैबलिटीज में शेयर कैपिटल आ गया अब जैसे पहला रेशियो हम लोगों ने देखा फर्स्ट रेशियो है डेप्ट अपॉन इक्विटी अब ये आपको कहां से मिलेगा डेप्ट कहां से मिलेगा इक्विटी कहां डेप्ट मतलब लॉन्ग टर्म लोन लॉन्ग टर्म लॉन्ग टर्म डेप्स ठीक है डेप्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेप्स डेप्ट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट अब लॉन्ग टर्म डेप्स या लॉन्ग टर्म लोन कहाँ है ये देखो ये शेयर कैपिटल है ये तो डेप्ट है ही नहीं हमारा ये जो है नॉन करेंट लाइबिलटीज़ को हम कहते हैं डेप्ट नॉन करेंट लाइबिलिटीज को हम कहते हैं डेप्ट ठीक है और शेयर कैपिटल को हम कहते हैं इक्विटी तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला मतलब जो फॉर्मूला अभी आप लोगों ने देखा डेप्ट अपॉन इक्विटी जो आपने देखा डेप्ट अपॉन इक्विटी तो ये कहाँ से आएगा डेप्ट कहाँ से आएगा इक्विटी कहाँ से आएगी डेप्ट मतलब शेयर डेप्ट मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज डेप्ट मतलब नॉन करंट लाइबिलिटीज और इक्विटी मतलब ये शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल के अंदर जो कुछ भी होगा वो आपका इक्विटी हो जाएगा मतलब यहाँ का जो अमाउंट होगा वो आप इक्विटी के प्लेस पे रख देंगे और यहां का जो अमाउंट होगा वो आप के प्लेस पे रख देंगे और फिर दोनों को कट कर देंगे तो वो निकल आएगा डेप्ट इक्विटी रेशियो ठीक है क्लास इसी तरह से दूसरा रेशियो आपने देखा सॉल्वेंसी में टोटल एसेट्स टू डेप्ट अभी हमने आपको दिखाया टोटल एसेट्स टू डेप्ट डेप्ट तो आपको पता चल गया डेप्ट कहाँ है डेप्ट ये आपने देखा ना नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ को हम डेप्ट कहते हैं तो डेप्ट का जो अमाउंट होगा वो तो हम यहाँ पर रख देंगे और टोटल एसेट्स कहां से आएगा टोटल एसेट्स आप लोगों ने देखा ना टोटल एसेट्स हो रहा है नॉन करेंट एसेट्स विच इज आल्सो नोन एज फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स इज इक्वल टू टोटल तो अगर टोटल एसेट्स दिया हुआ है तो हम टोटल एसेट्स का अमाउंट उठा के यहाँ पे रख देंगे लेकिन अगर मान लो टोटल एसेट्स नहीं दिया है नॉन करंट एसेट्स दिया है और करंट एसेट्स दिया है तो दोनों को क्या कर लेंगे प्लस कर लेंगे और दोनों को प्लस करके हम यहाँ पर लिख देंगे टोटल एसेट्स क्लियर हो गया तो आप लोगों ने दो देख लिया सॉल्वेंसी रेशियो का दो फॉर्मूला देख लिया डेप्ट इक्विटी रेशियो देख लिया इज अपॉन इक्विटी एंड टोटल एसेट्स टू डेप्ट रेशियो देख लिया विच इज टोटल एसेट्स अपॉन डेप्ट अब देखो ये प्रोपराइटरी रेशियो प्रोप्राइटरी रेशियो मतलब प्रोपराइटर का रेशियो प्रोपराइटर जो फंड लगाता है उसको आप क्या कहते हो क्लास एलेवेंथ में पढ़े थे ना द फंड इंट्रोड्यूस बाय द ऑनर इज नोन एज द कैपिटल सो प्रोपराइटरी रेशियो का फार्मूला होता है क्या होता है प्रोपराइटरी रेशियो का फॉर्मूला प्रोपराइटरी रेशियो का फॉर्मूला है इक्विटी या आप बोल सकते हैं ऑनर्स फंड प्रोपराइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑनर्स फंड ठीक है मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रोपराइटरी रेशियो का फॉर्मूला है ऑनर्स फंड मतलब ऑनर ने जो लगाया ऑनर्स फंड मतलब ऑनर ने जो लगाया अब जो ऑनर पैसा लगाता है उसको क्या करता है मान लो ऑनर ने दस लाख रुपये से बिजनेस शुरू किया तो इस टेन लाख रुपीज़ को वो क्या करेगा क्या करेगा इस टेन लाख रुपीज का है ना एसेट्स परचेस करेगा कि नहीं करेगा भाई जो भी मशीनरी चाहिए होगी वो परचेस करेगा इन्वेस्टमेंट करेगा फर्नीचर लेगा रॉ मटेरियल लेगा इट मे बी क्या परचेस करेगा वो एसेट्स ही तो परचेस करेगा जो ऑनर पैसा लगाता है तो ऑनर्स फंड होता है ठीक है किसका है ये प्रोपराइटरी रेशियो प्रोपराइटरी रेशियो का फॉर्मूला है प्रोपराइटर ने जो पैसे लगाए दैट मीन्स ऑनर्स फंड विच इज ऑल्सो नोन एज ऑनर्स फंड अपॉन उसका वो करता क्या है वो उसका परचेज करता है एसेट्स कौन से एसेट्स जो कि फिक्स और करंट एसेट्स मिला के बनते हैं तो प्रोप्राइटरी रेशियो का फॉर्मूला होता है ऑनर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स कैसे याद रहेगा प्रोप्राइटर का फंड प्रोप्राइटरी रेशियो प्रोप्राइटर का पैसा जो होता है जो प्रोप्राइटर पैसा लगाता है उसको हम क्या बोलते हैं कैपिटल इसको आप कैपिटल भी लिख सकते हो इसको आप शेयर कैपिटल भी लिख सकते हो दैट मीन्स शेयर कैपिटल अपॉन टोटल एसेट्स या फिर अभी आप लोगों ने देखा कि शेयर कैपिटल को हम लोगों ने एक नाम और दिया है विच इज नोन एज द इक्विटी है ना तो इसका फॉर्मूला आप ये भी लिख सकते हो इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये फंड मिलेगा कहाँ से हमको ये उठाना कहाँ से है तो प्रोपराइटरी रेशियो में ऑनर्स फंड जो कि फार्मूला में आता है ऑनर्स फंड या बोलो शेयर कैपिटल या बोलो इक्विटी ये तीनों क्या है वो पैसे हैं जो प्रोपराइटर लगाता है तो ऑनर्स फंड आपको कहाँ मिलेगा ऑनर्स फंड मतलब ये ये वाला अमाउंट उठा के आपने प्रोपराइटरी रेशियो में रख दिया ठीक है उसके बाद टोटल एसेट्स कहाँ मिलेगा टोटल एसेट्स ये बैलेंस शीट में पड़ा हुआ है ठीक है अब अगर टो करंट एसेट्स भी नॉन करंट एसेट्स दिया है और करंट एसेट दिया है तो दोनों को प्लस करके हम क्या कह लेंगे टोटल एसेट्स कर देंगे अच्छा एक साल एग्जाम में पूछा गया था ऑनर्स फंड और एग्जाम में जो आ, दिया गया था अमाउंट दिया गया था वो इक्विटी दिया था और टोटल लाइबिलिटीज दी हुई थी और बच्चे कंफ्यूज हो गए थे तो टोटल लाइबिलिटीज भी दी है तो हम टोटल एसेट्स पे यूज कर सकते हैं क्यों यूज कर सकते हैं बिकॉज वी नो टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल टू टोटल एसेट्स कुछ भी हो जाए बैलेंस शीट को टैली होना ही होता है आप क्लास इलेवंथ में देखे थे क्योंकि बैलेंस शीट टैली नहीं होता था तो बहुत आप मेहनत करते थे लेकिन कुछ भी हो जाए उसको आपको टैली करना ही करना होता था सो टोटल एसेट्स इक्वल टू टोटल लाइबिलिटीज होती है मान लो अगर टोटल लाइबिलिटीज दी हुई है तो हम यहाँ टोटल एसेट्स की जगह पे टोटल लाइबिलिटी का अमाउंट ले सकते हैं लेकिन फार्मूला में हम टोटल लाइबिलिटीज नहीं लिख सकते ठीक है फॉर्मूला क्या है प्रोपराइटरी रेशियो का ऑनर्स फंड ऑनर्स फंड मतलब प्रोपराइटर ने जो पैसे लगाए अपॉन उसने उस पैसे का जो किया क्या किया टोटल एसेट्स उसने एसेट्स परचेस किए ठीक है, है क्लास लेटस गो फॉर द नेक्स्ट विच इज नोन एज द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखो क्या कह रहा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इस रेशियो से यह पता करना होता है कि प्रॉफिट का कितना हिस्सा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है हमको इस रेशियो से यह पता करना पड़ता है कि प्रॉफिट का कितना हिस्सा हमको इंटरेस्ट देना पड़ता है आप इंटरेस्ट कहाँ दोगे आप इंटरेस्ट जो आपने लोन लिया होगा है ना जो लोन लिया होगा उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता होगा या फिर आपने डिबेंचर से मतलब डिबेंचर इशू किया होगा तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता होगा तो जो आप ये इंटरेस्ट दे रहे हो प्रॉफिट से दोगे ये इंटरेस्ट कहाँ से दोगे जो प्रॉफिट होगा उसी में से दोगे तो ये रेशियो कहता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहता है कि आपके प्रॉफिट का कितना हिस्सा इंटरेस्ट कवर कर रखा है अगर मान लो टेन परसेंट कवर कर रखा है या ट्वेंटी परसेंट कवर रखा कर, कर, कर रखा है तब तो ठीक है लेकिन अगर सेवेंटी परसेंट या एटी परसेंट कवर कर रखा है तब तो हम हमारी कंपनी मतलब लॉस में जा रही है प्रॉपर वे से वर्क नहीं कर रही है तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है इंटरेस्ट प्रॉफिट का कितना हिस्सा इंटरेस्ट कवर कर रहा है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इसका जो फॉर्मूला है उसके लिए हमको प्रॉफिट लेना पड़ेगा बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटरेस्ट और टैक्स देने से पहले तो इसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंटरेस्ट से हमको चेक करना है प्रॉफिट का कितना हिस्सा इंटरेस्ट में लग रहा है तो क्या होगा इसका फॉर्मूला प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल इंटरेस्ट कितना हम इंटरेस्ट दे रहे हैं उसका अमाउंट ये टोटल इंटरेस्ट कहाँ से मिलेगा हमको जो हमारा लोन लिया होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट देखना पड़ेगा जो डिबेंचर दिया होगा उसको ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दी होगी लेकिन कलेक्ट करना पड़ेगा लोन से करना पड़े से इंटरेस्ट इंटरेस्ट कलेक्ट कलेक्ट करना करना पड़ेगा पड़ेगा तो लोन दिया होगा दिया होगा तो यहां से आपको ये इंटरेस्ट कलेक्ट करना पड़ेगा तो हो, हो गया अपॉन इक्विटी अपॉन इक्विटी इक्विटी क्लियर है फिर उसके बाद है प्रोपराइटरी रेशियो प्रोपराइटर का फंड लगा हुआ है तो प्रोपराइटर का फंड कहां लगा है कैपिटल में कैपिटल इज नोन एज द प्रोप्राइटर फंड तो प्रोपराइटर्स फंड में आता है शेयर कैपिटल अपॉन प्रोपराइटर उस पैसे से क्या लेता है टोटल एसेट्स तो ये टोटल एसेट्स का अमाउंट ठीक है उसके बाद है टोटल एसेट्स टू डेफ्ट तो ये टोटल एसेट्स टू डेफ्ट डेफ्ट कहाँ है ये इसको नॉन करंट लाइबिलिटीज को हम क्या कहते हैं डेप्टे ये ये चीजें आपको एग्जाम में दी होंगी ये चीजें आपको एग्जाम में दी होंगी ठीक है उसके बाद है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल इंटरेस्ट तो ये आपका सॉल्वेंसी रेशियो क्लियर हो गया ठीक है अब नेक्स्ट बचा हुआ है एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ऑफ लिक्विडिटी रेशियो जो कि नेक्स्ट वीडियो में सेंड करेंगे थैंक यू क्लास